कभी दूसरी दुनिया वाले से मुकाबला नहीं किया था। इस हरकत की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। क्या हमने कभी तुम्हारे और म्योलनीर के बीच का फर्क समझाया है? नहीं। तुम्हें फेंकने में ज्यादा मजा आता है। हम सभी मुसीबत में हैं। थानोस जख्मी है, पर हमने हाथ नहीं मिलाया तो जीत नहीं पाएंगे। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, पर हमें आपका साथ चाहिए। या तो अलग अलग हारेंगे या साथ मुकाबला करेंगे अवेंजर्स बनकर। थानोस को कोई नहीं हरा सकता। मैं हर एवेंजर को कुचल दूंगा। तुमने अभी मेरी पूरी ताकत का सामना नहीं किया है। नहीं। क्या नमूना है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हें हमारे हमले का अंदाजा भी नहीं हुआ और हमें इस हमले का अंदाजा नहीं हुआ। क्या बात है, वीडियो गेम के शौकीन जमा हो गए। लगता है मुझे अपने रूम में जाना पड़ेगा एरोस ठीक करने। यानी तुम्हें ये नहीं चाहिए? मेरा अपना कंट्रोलर। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुम बड़े अजीब हो। उस बॉक्स में क्या है सैम? मेरी मॉम ने केक भेजा है। शायद किसी ने उन्हें बताया कि उनकी कुकीज से अब बोर हो गए हैं। ब्लैक ऑर्डर अब गार्डियंस की हिरासत में है। थैनोस के खिलाफ एक होने से हम सभी का फायदा हुआ। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, लेकिन जब तक है मजा ले लो। केक फैल्कन की मॉम ने भेजा है, मानना पड़ेगा उनकी कुकीज से बेहतर है। टोनी, इस सब के बाद तुम्हारी बात सही लगती है। एवेंजर्स को बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब लोगों के आदर्श हैं। तुमने ही तो कहा था कि जुल्म करने वालों के सामने जो भी खड़ा होगा वो एक एवेंजर ही है। तो अब आगे क्या इरादा है? कुछ दिन आराम करने के बाद हम पहले से ताकतवर बनकर लौटेंगे और हम अपनी सीमाओं को और बढ़ाएंगे। समझे? बढ़ाएंगे। ये है एवेंजर्स की दुनिया।